यार आते रहते हैं। आज मैं अपने कान्हा जी का आपको श्रृंगार सिखाती हूँ। ये मेरे कान्हा जी की रोज की पगड़ी है, ये वाली। ये मैं इनको रोज श्रृंगार करती हूँ तब पहनाती हूँ। मुझे अलग अलग पगड़ी पहनाना अच्छा लगता है भगवान जी को, इस तरह की। ये उनकी टोपी है, ये उनकी पाक है, ऐसे। मुझे तरह तरह की पगड़ी भगवान जी की बहुत शौक है पहनाने का। और ये उनकी आने जाने की रोज की पगड़ी है मेरी कान्हा जी की। कान्हा जी को श्रृंगार का बहुत शौक है, इसलिए मैं उनको नए नए सुंदर सुंदर कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे पहनाने की। ये मेरे दोनों कान्हा जी की पगड़ी हैं। ये पगड़ी ये मैं बाज़ार से लाई थी, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपने आप ही डेकोरेट करी है। ये दोनों, ये मैंने उनकी फ्लावर वाली माला बनाई है, ये देखिए। ये मैं दो पीस मुझे अच्छे लगे थे मार्केट में, मैं ही ले आई थी दोनों कान्हा जी के लिए। ये मेरे सांवरे कन्हैया की पगड़ी है, प्यारी सी छोटी सी। ये मेरे कान्हा जी की मालाएं हैं। तो मैं कभी कहीं भी जाती हूँ वहाँ से ले आती हूँ, वृंदावन बाजार या कहीं से। देखिए आप, मुझे कितने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी ये सब पहन के। एक स्टोन जरकन वाली है, ये देखिए, ये थ्री लेयर वाली माला। ये उनकी तगड़ी है, ये उनके हाथों के कड़े। मैं सब एक साथ रख देती हूँ ताकि मुझे मिल जाए। ये उनके ठाकुर जी के कड़े, ये उनके इयररिंग है ठाकुर जी के। ये पगड़ी पे सजाने वाली पिन, ये इनके कड़े हैं ठाकुर जी के चांदी के। ये माला इनकी, कुछ और भी मुकुटले हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये मोर वाला, ठाकुर जी को मोर बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके हर चीज़ मोर के ढूंढती हूँ, मोर का ही मिल जाए कुछ। ये मोर पंख मुकुट, तो ये उनका चांदी का मुकुट। ये को सजाने के लिए मुझे थोड़ा ठाकुर जी को शौक है सजाने का, तो ये बटरफ्लाई और बांसुरी ठाकुर जी के पास रखी हुई है, बट थोड़ा सा अलग अलग ले आती हूँ। बड़े बड़े इयररिंग ठाकुर जी के, ये मेरे ठाकुर जी के, ये दोनों ठाकुर जी हैं मेरे, कांवरे और गोरे, उनके करली बाल मुझे बहुत पसंद आए थे मार्केट में आए हुए, तो मैं दो जोड़ी ले आई थी कान्हा जी के। ये उनके इत्र हैं मेरे ठाकुर जी के, तरह तरह के इत्र। मुझे शौक है उनको लगाने का, उनको पसंद है। उसमें मोगरे का भी है, गुलाब का भी है, और कमल के फूल का भी इत्र है। ब्रज जो भूमि है उसकी मिट्टी का भी इत्र है मेरे पास, और ये केसर चंदन इत्र है। तो खुशबू आती है, उनको अच्छा लगता है। और कुछ ऐसी ड्रेसें हैं जो ये ठाकुर जी की ड्रेसें हैं मोर पंख की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ठाकुर जी को तो पसंद है ये। और ये उनकी मैं रोज की ड्रेसें बनाती हूँ, ये डबल डबल करके मैंने ड्रेस रख रखी है दोनों ठाकुर जी की। इसमें दोनों मोर वाली हैं ड्रेसें, ये देखिए।
हाँ इसमें भी डबल है, मैं सेट बना बना के रख देती हूँ, रोज़ फिर मुझे अलग अलग दिक्कत होती है, तो मैं एक एक दोनों ड्रेसें एक एक पन्नी में डाल के रख देती हूँ। दोनों ड्रेसें हैं, ये मैं कॉटन की, मुझे ये बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी, तो ये बंगाली ड्रेस बोलते हैं इनको, कुछ ऐसी ड्रेस बने, इनका डिज़ाइन ऐसा है, तो ये मैं लेके आई थी ऐसे दोनों काना की, तो ये सब मैं एक साथ रखती हूँ, ये दोनों से बनवाई थी, और ये भी डबल है, ये भी डबल है, और कुछ ड्रेसें जो अभी तक मैंने मेरे काना जी को पहना ही नहीं है, ये बंगाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, ये अभी तक पहनाई नहीं है, उनको किसी फंक्शन पे पहनाऊंगी मैं, थ्री पीस ड्रेस है ये, तो ये उनकी चोली है ये वाली, ये भी मुझे बहुत पसंद है उनकी ड्रेस, मेरे काना जी की, और ये भी उसमें काफ़ी सारी ड्रेसें रखे हैं जो मैं उनको आने जाने पहनाती हूँ, जैसे ये अभी न्यू है, एलिफेंट बने हुए हैं, ये हैं, ये है, तो मुझे बहुत शौक है काना जी की ड्रेस कलेक्ट करने का, कलेक्शन अच्छा लगता है मुझे, ये पिकॉक वाली और ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है पिकॉक, और एक जो दूसरी ड्रेस मैं ये खाटू जी से मंगवाई थी मैंने, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है, ये एलिफेंट बना हुआ है, देखिए आप ये एलिफेंट बना हुआ है, ये ठाकुर जी को पहनाऊंगी मैं, तो और एक ड्रेस ये है, इस तरह से कट वर्क है इसका, फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरे काना जी का श्रृंगार का कलेक्शन, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।